बिग बॉस में हर साल ही ऐसा होता है कि अंदर जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में दोस्ती होती है, फिर झगड़ा होता है, एक दूसरे के सामने झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन ये आपस में करते हैं। कोई बाहर से आता तो उसके प्रति तो सब कुछ प्रेम भाव दिखाना ही दिखाना पड़ता है सबको, और वो पड़ता नहीं है एक्चुअली, वो जेन्युइनली अंदर से रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि आप अंदर कितने भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसके प्रति आपको सम्मान दिखाना पड़ता है, वो लाजमी वो अंदर से आ जाता है इंसान होके अंदर। लेकिन अर्शी जैसे कुछ हैं जो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि यार अर्शी खान जिनके अब्बा हुजूर आए थे वो कितने ह्यूमरस और कितने फनी पर्सन है, और वो खुद कहके चले गए कि बेटा अर्शी अपने आंखों के ऊपर से ये जो पर्दा पड़ा है ना इसको हटाओ और बालों के हेयर स्टाइल सही करो। इतना सच जेम ऑफ अ पर्सन, आई मीन इतने ह्यूमरस, इतने एंटरटेनिंग आदमी की औलाद, इतनी बदतर वाहियत, थर्ड क्लास चीप और एकदम दरिंदगी टाइप की औलाद है ये। पता नहीं इनकी क्या बोलूं मैं इनकी लड़की के बारे में। चलिए ठीक है, वो हुआ। उसके बाद शिल्पा की जब मम्मी आई तो पूरा बिग बॉस आया, पूरे बिग बॉस के घर वाले आए और शिल्पा की मम्मी के पैर छुए, गले लगे, उनसे अच्छी खासी बातें की, साथ में टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये बेगम साहिबा अपने आप को पता नहीं कहाँ की रानी समझ रही थी और साइड में जाके चुपचाप बैठी तमाशा देख रही थी। उसने इतना भी नहीं सोचा, अरे यार ये शिल्पा की मम्मी या किसी और की मम्मी कौन सा रोज रोज आती, क्यों ना मैं उनसे दो मिनट प्यार मोहब्बत से बातें ही कर लूं। मतलब एक एक वो चीज होती है ना कि एक इंसानियत का तकाजा होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक वैल्यू होती है, और कहने को कहती है कि ये दुनिया की बेस्ट है शिल्पा भाई आता है। अरे शिल्पा जैसी तो अर्शी खान तुम चार जन्मों में नहीं हो पाओगी, ये चीज तुम लिख के रख लो। और वैसे तुम्हें जानता कौन है दुनिया में? आई थिंक शायद अफरीदी के अलावा तुम्हें दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। अफरीदी भी तुम्हें इसीलिए जानता हो क्योंकि तुमने उसके साथ क्या किया था वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। और वैसे आज बिग बॉस में क्या होने वाला है, आज रॉकी आने वाला है, और हाँ रॉकी के साथ साथ आएंगी गौरी जो कि हितन की वाइफ है, और वो हिना को थोड़ा सा स्क्रू टाइट करके जाएंगी क्योंकि हिना ने बहुत कुछ बोला है हितन को, स्पाइनलेस है, ये है, वो है, ये है, वो। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हिना और हितन की वाइफ का आमने सामना होगा तो बड़ा मजा आएगा भाई। हाँ हाँ। सो फिलहाल मुझे अपने गुप्त सूत्रों से पता चल गया है कि सलमान खान वीकेंड के वार में अर्शी खान की अच्छे से क्लास लेने वाले हैं, और ये क्लास लेना लाजमी भी है। सो वीकेंड के वार का जबरदस्त तरीके से मुझे तो इंतजार है सलमान बाबा किस तरह से क्लास लेते हैं। लेकिन मुझे ये डाउट है क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करेगी जबरदस्त, सलमान खान अगर कुछ कहेंगे तो वो बराबर पलट के आर्ग्यूमेंट तो करेगी क्योंकि अर्शी खान तो अर्शी खान है, वो तो खुद कहते मैं अपने बाप की नहीं सुनती तो मैं किसी की क्या सुनूंगी पता।